भारत एक ऐसा देश है जहां लोग धर्म पर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। खासकर भगवान की पूजा पाठ को लेकर भारतवासी जागरूक रहते हैं। वैसे तो भगवान की आराधना के पीछे लोगों को कोई मकसद छुपा हुआ होता है। हर इंसान चाहता है कि उसे अपनी लाइफ में परेशानियों का सामना ना करना पड़े। शायद यही वजह है कि लोग भगवान को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते रहते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि भगवान को प्रसन्न करना इतना आसान नहीं है। यहाँ हजारों लोग अपने मुसीबतों का पिटारा खोलते हैं। ऐसी ही एक रस्म भगवान को प्रसाद चढ़ाने का होता है। आपको बता दें कि भगवान के प्रसाद को पवित्र माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जब भगवान को प्रसाद चढ़ाया जाता है तो भगवान उस प्रसाद में सकारात्मक ऊर्जा भर देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सारे भगवान को अलग अलग प्रसाद चढ़ाया जाता है। जैसे गणेश जी को शुद्ध घी के मोदक, वहीं श्री कृष्ण को माखन, इसी तरह हनुमान जी को चना और चिरौंजी का प्रसाद बेहद पसंद है। हनुमान जी के मंदिर में चना और चिरौंजी का प्रसाद अत्यधिक चढ़ाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि चना और चिरौंजी भगवान को बेहद प्रिय है। लेकिन इसके अलावा हम आपको आज एक चीज और बताएंगे जो भगवान को बेहद पसंद है। ये चीज काफी चमत्कारी मानी जाती है। अगर आपने भी इसे हनुमान जी के प्रसाद में शामिल कर दिया तो आपकी सारी मनोकामना जल्द पूरी होगी। जब आप हनुमान जी को चना और चिरौंजी का प्रसाद चढ़ाएं तो उसमें थोड़ा सा गुड़ भी डाल लें। आपको बता दें कि हनुमान जी को गुड़ बेहद प्रिय है। दरअसल गुड़ की मिठास और स्वाद दोनों ही चिरौंजी से बेहतर होता है। ऐसे में इसका स्वाद दुगुना हो जाता है। उसके बाद जब आप ये प्रसाद दूसरों में बांटते हैं तो उनका मन भी प्रसन्न हो जाता है। इस तरह भगवान हनुमान जी को थोड़ा सा गुड़ का भोग लगाने से वो आपकी सारी मनोकामना जल्दी पूरी कर देते हैं। आपको बता दूं कि आप ये प्रसाद कभी भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आप ये प्रसाद मंगलवार और शनिवार को चढ़ाएंगे तो आपकी अधूरी मनोकामना भी जल्द पूरी होगी। नेशनल स्पिरिचुअल से रानी की रिपोर्ट।